रामचरितमानस जैसा पहले था वैसा ही आज है और अनंत अनंत काल तक वैसा ही रहेगा। कलिकाल में भक्ति को सबसे सरल प्राप्त करने के लिए प्रथम भगति संतन कर शंगा, दूसर रतिमम कथा प्रसंगा। बहुत प्रशंसनीय निर्णय है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो ये निर्णय दिया है, इससे अच्छा निर्णय क्या हो सकता है। यही रामराज्य है। कम प्रेम स्थापयत इति कथा, जो जीवन में प्रेम की स्थापना करे वही भगवान की कथा है। अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक ने योगी जी के हर फैसले को बताया बेहतर। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा रामचरितमानस पर दिए गए बयान को लेकर आचार्य केशवम अवस्थी ने कहा, रामचरितमानस एक ऐसा दिव्य ग्रंथ है, उस पर उंगली उठाना केवल और केवल अनपढ़ होने या रामचरितमानस के विषय में ज्ञान न होने का संदेश दे रहा है। जो लोग यह कह रहे हैं रामचरितमानस में जातिवाद है, यह पूर्णता झूठ है और यह कथित रूप से सस्ती लोकप्रियता पाने का माध्यम है। नवरात्रि में हर मंदिर में दुर्गा सरस्वती पाठ होगा और नवरात्रि के रामनवमी अष्टमी में रामचरितमानस का पाठ होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ के इस निर्णय को बताया प्रशंसनीय, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, यही रामराज्य है। अंतर्राष्ट्रीय कथाकार एवं समाज सुधारक आचार्य मनोज अवस्थी ने कहा, रामचरितमानस पर जो लोग टिप्पणी कर रहे हैं, क्या इससे पहले उनको इस बात का ज्ञान नहीं था। कथाकार हैं आपके श्रीमुख से 912 कथा का लगभग वाचन हो चुका है। जैसा कि आप समाज में जय बलनाथम तेल कुमारा सुपर फूल गलवारा जैसे चौपाई को लेकर विवादित अंश आज दिए जा रहे हैं, इसको काफी चर्चा है, इस पर आपकी क्या राय है। देखिए, रामचरितमानस पर इस प्रकार का कोई विवादित बयान किसी ने दिया है तो वो बिल्कुल इस प्रकार से दिया है कि जैसे उन्होंने ना तो पढ़ा है और ना ही किसी भी प्रकार से वो समाज के हित में है। वहां पर किसी व्यक्ति या जाति संप्रदाय से मतलब ही नहीं है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर रामचरितमानस में या राम जी के विषय में समाज को लगता है कि जातिगत कोई उन्होंने गलत निर्णय लिया है तो सबसे ज्यादा अगर विरोध करना चाहिए तो हमें करना चाहिए। हमें इसलिए करना चाहिए कि हमारा रावण मरा, हम भी तो कह सकते हैं कि पंडित को क्यों मार दिया, हमने तो नहीं कहा कि ब्राह्मण को क्यों मारा, हमें तो कोई कष्ट नहीं हुआ कि ब्राह्मण को उन्होंने मारा, तो हम मारने के बाद ना तो हमने मुकदमा किया ना हमने कभी खिलाफ में आवाज उठाई। और यहां तक कि दुशासन का अपराध ज्यादा था, दुशासन का तो पुतला नहीं फूंका गया, रावण का हर वर्ष फूंका जाता है और सबसे पहले हम ब्राह्मण लोग फूंकते हैं, हमें तो कोई तकलीफ नहीं। इसलिए कि वहां व्यक्ति का विषय ही नहीं है, चाहे वो ब्राह्मण हो, कोई क्षत्रिय हो, कोई किसी भी जाति से हो, किसी वर्ण से हो, जो समाज में जिसने जो कुछ किया जिस प्रकार से किया उस पर गोस्वामी जी ने अपनी बात को रखा और किसी को छोड़ा नहीं है। ब्राह्मणों के लिए भी उन्होंने ऐसे तमाम वाक्यों का प्रयोग किया जिसमें हम लोगों को कथाकारों को नहीं छोड़ा, हम लोगों के लिए लिखा कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे जे आचरें नर न घनेरे, हम लोगों के लिए कहा, उन्होंने हम लोगों से कहा कि ज्ञान तो कलयुग में ब्राह्मण देंगे नहीं और उसी को पंडित बोला जाएगा। मारक मारक जा जे कही जो भावा और पंडित सोई जो गाल बजावा, गाल बजाने वालों को पंडित बोला जाएगा ब्राह्मण। तो ये कोई एक व्यक्ति के लिए थोड़ी किया गया, हर कि उन्होंने जो लिखा जहां भी लिखा तो वो कहीं भी किसी भी व्यक्ति से विरोध नहीं कर रहा, कोई विरोधात्मक विषय नहीं है। और जिनको लग रहा है वो राजनीतिक भाव से कह रहे हैं और उनको सच में रामचरितमानस से अगर विरोध था, रामचरितमानस के तथ्यों से विरोध था, तो वो एक ऐसे पद पर बैठे व्यक्ति ने कहा है कि जो व्यक्ति कुछ समय पहले किसी पार्टी में रह करके राजनीति के सबसे ऊंचे शिखर पर बैठा था और उस समय वो चाहता तो सदन में उसका विरोध करता, क्यों नहीं किया उस समय, उसके ध्यान में नहीं आया, तब क्या वो पढ़ा लिखा नहीं था, उस समय उसने विरोध क्यों नहीं किया। वो तो एक ऐसे पद पर बैठा था कि मुख्यमंत्री के बाद दूसरे नंबर की हस्ती रखता था, वो चाहता तो बैन करवा देता उस रामायण को, क्यों नहीं बैन कराया उस समय, उसने कोई बात क्यों नहीं की उस समय, इसलिए नहीं की उस समय उसको राजनीति करनी थी, अब उसका राजनीति में कहीं कोई स्थान नहीं है तो वो बिना कारण के समाज को भ्रमित करने का काम कर रहा। और ऐसे लोगों को समाज पहचानता है और कभी उनको क्षमा नहीं करेंगे, ना समाज क्षमा करेगा ना भगवान क्षमा करेंगे। देखो, रामचरितमानस जीवन दर्पण है और जीवन का एक ऐसा शायद कोई और दर्शन शास्त्र, कोई भी ऐसा चिंतन मनन रामचरितमानस से अत्यधिक जीवन जीने की कला नहीं सिखा सकता। वो रामचरितमानस ऐसा दिव्य ग्रंथ है, उस पर उंगली उठाना ये केवल और केवल अनपढ़ होने या रामचरितमानस के विषय में ज्ञान ना होने का ही प्रतीक और उसका संदेश दे रहा है। रामचरितमानस पर कोई विवाद नहीं है, रामचरितमानस स्वच्छ निर्मल पवित्र ग्रंथ है, वो सदा सर्वदा रहेगा
और जो लोग ये कह रहे हैं कि जातिवाद रामचरितमानस में है, ये पूर्णतया झूठ है और ये कथित रूप से केवल और केवल सस्ती लोकप्रियता पाने का माध्यम है। जातिवाद रामचरितमानस में नहीं है, रामचरितमानस में धर्मवाद है, मानववाद है, रामचरितमानस में मर्यादावाद है, रामचरितमानस में सनातन संस्कृतियों का प्रचार है, लेकिन जातिवाद नहीं है। इससे बिल्कुल निष्कर्ष है, रामचरितमानस जैसा पहले था वैसा ही आज है और अनंत अनंत काल तक वैसा ही रहेगा। जैसा कि महाराज मुझे पता चला है यहाँ आने पर कि आपके पूज्य पिताश्री आदरणीय आचार्य मनोज अवस्थी जी अंतर्राष्ट्रीय कथाकार हैं, तो मैं आपसे उनके माध्यम से और आपसे भी पूछना चाहते हैं कि जो कलयुग मात्र में तरण तारण के लिए श्रीमद् भागवत कथा सुनने के क्या लाभ हैं और कलयुग में भक्ति को सरल तरीके से कैसे प्राप्त किया जा सकता है। कलिकाल में भक्ति को सबसे सरल प्राप्त करने के लिए अगर माध्यम में बताऊं तो प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रतिमम कथा प्रसंगा। अगर ये दोनों ही केवल प्राप्त कर ली जाए और हम बाकी जो सात बची है उनको दूर रख करके केवल इन दोनों के साथ में ही चलने की संतों महापुरुषों का संग, विद्वत जनों का संग हो जाए और भगवान की कथा में, भगवान की वार्ता में अगर प्रीत हमारी हो जाए तो ही हमें भक्ति भगवान की मिल जाएगी, तो ही हमें परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। यही सबसे अच्छा माध्यम है। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो अभी निर्णय आया है नवरात्रि को लेकर के, इस पर आपकी क्या राय? बहुत प्रशंसनीय निर्णय है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो ये निर्णय दिया है कि नवरात्रि में हर मंदिर में इस समय दुर्गा सरस्वती का पाठ होगा और नवरात्रि के रामनवमी में, अष्टमी में महाराज रामचरितमानस का पाठ होगा। इससे अच्छा निर्णय क्या हो सकता है? यही राम राज्य है। राम राज्य में जिस समय राम जी प्रजा का पालन कर रहे थे, वशिष्ठ जी ने राम जी से कहा, राम जी प्रजा उत्सव के साथ में, यज्ञ के साथ में ही प्रजा पालन होता है। आपके राज्य में कोई यज्ञ नहीं हुआ है राम जी, आप जब से राजा बने तब से कोई उत्सव नहीं हुआ। तो राम जी ने उत्सव के, राम जी का मन नहीं था कि राम जी को कोई अश्वमेध यज्ञ करना है कि जानकी जी के बिना करना, नहीं नहीं, प्रजा के पालन के लिए ही राम जी ने ये निर्णय लिया था कि राम जी ने प्रजा पालन के लिए, प्रजा में उत्सव का माहौल बना रहे, प्रजा का रंजन होता रहे, प्रजा का कल्याण होता रहे, इसके लिए अश्वमेध यज्ञ का निर्णय लिया। यही तो राम राज्य है और यही राम राज्य हमारे योगी जी कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। आपसे मेरा आखिरी सवाल यही है कि श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से समाज में आप भारतीय संस्कृति और सनातनी विचारधारा को लेकर आपकी क्या राय है, इसको कैसे प्रसारित किया जाए, कैसे फलपद आज के लोग देखो, जब तक हम शांत थे, मौन थे, तब तक हम पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा था। जब हमने बोलना प्रारंभ कर दिया, हमारी संस्कृतियां चहुं और अपना प्रकाश दिखाने लगी है, तो लोगों को हमारी संस्कृतियों से, हमारी इस अक्षुण परंपरा से जलन हो रही है, लेकिन इससे कोई कुछ भी बिगड़ने बनने वाला नहीं है। भारतीय संस्कृति मृत्युंजयी संस्कृति है, वो आज भी थी, कल भी है, अनंत अनंत युगों तक रहेगी। ये भागवत कथाएं, राम कथाएं जीवन में एक नया दर्पण है, नया दर्शन है और इसी से ही जीवन जीने की कला लोगों को आज भी मिलती है, हजारों लाखों वर्ष तक मिलती रहेगी। कम प्रेम स्थापयति इति कथा, जो जीवन में प्रेम की स्थापना करे वही भगवान की कथा है। तो आप सबके जीवन में अगर कहीं प्रेम है, चाहे वो माता पिता का हो, भाई भाई का हो, महाराज, तो वो केवल और केवल भगवान की कथा से ही प्राप्त होता है। धन्यवाद।